बड़ागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बैली निवासी शुभम पांडे की पत्नी खुशबू पांडे ने गौरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके पति शुभम पांडे जो एक टैक्सी चालक हैं और यज्ञ कुमार श्रीवास्तव की गाड़ी होंडा अमेज कार चलाते थे। 14 जुलाई को रात 9:30 बजे गौरखपुर रेलवे स्टेशन के आसपास से सवारी लेकर अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। उसी रात करीब 2:13 पर मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं एयरपोर्ट से बाहर हूँ और कुछ देर आराम करके कोई सवारी गोरखपुर के लिए मिल जाए तो लेकर निकलूँगा। उसी के बाद मैं 15 जुलाई को सुबह 8:23 पर फ़ोन कर रही थी तो उनका तीनों नंबर बंद जा रहा था। उसके बाद से ही मेरे पति का कुछ पता नहीं चल पाया। खुशबू पांडे ने बताया कि जिससे मैं और मेरा परिवार काफ़ी चिंतित है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए खुशबू पांडे ने कहा, एयरपोर्ट के बाहर उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? 14 जुलाई को मेरे हस्बैंड गोरखपुर से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए गए थे सवारी लेके, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद उनका नंबर भी बंद है, गाड़ी भी मिसिंग है, मेरे मिसिंग है, मुझे कुछ भी पता नहीं। आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? 14 जुलाई की रात में 2:13 पे लास्ट कॉल आया था और 2:17 तक बात हुई। क्या कहे थे? वो बोले कि एयरपोर्ट के बाहर हूँ, पैसेंजर से गया हूँ और अभी थोड़ा आराम करके कोई गोरखपुर का पैसेंजर मिलेगा तो लेके निकलूँगा। इसके बाद कब फ़ोन किया? इसके बाद मॉर्निंग में 8:23 पे कॉल की तो उनका नंबर बंद था। अब पता नहीं है कब से स्विच ऑफ है, लेकिन हम फर्स्ट टाइम कॉल 8:23 पे किए तो नंबर स्विच ऑफ था। जब से स्विच ऑफ ही जा रहा है अभी। गाड़ी किसकी थी? वो यज्ञ कुमार श्रीवास्तव जी हैं, उनकी गाड़ी। अपनी गाड़ी ले गए थे? कोई FIR या पुलिस से संपर्क किया? जी, गोरखपुर में मेरी बच्ची 8 दिन की थी तो उस टाइम मैं आने की हालत में नहीं थी यहाँ पे गोरखपुर, तो मेरे फैमिली मेम्बर यहाँ पे आए, यहाँ पे लोग FIR नहीं दर्ज किए, वो लोग लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिए, तो लखनऊ में जाके वहाँ पे भी लोग कर नहीं रहे थे। तो बहुत मशक्क़त करने के बाद 17 जुलाई को रात में 10 बजे के तकरीबन वो लोग FIR दर्ज किए सरोजनी नगर थाने। अभी कोई पता नहीं चल रहा? नहीं, कुछ भी, कोई क्लू नहीं है, कुछ भी कहीं से कोई पता नहीं है। तो रिश्तेदारी में भी चेक किया? सब जगह हम लोग पता कर लिए, रिलेशन में भी, दोस्त यार के वहाँ, हर जगह जितना भी हम लोग के नॉलेज में था सब जगह पता कर लिए, कहीं भी नहीं। उनकी गाड़ी के कुछ कागज़ यहाँ पे बाराबंकी के पास में टिकरियों गाँव में किसान पथ हाईवे वहाँ पर गिरा हुआ मिला था। वहाँ पर सीसी फुटेज था लेकिन वायरिंग नहीं हुई थी और एयरपोर्ट का जो एंट्री सीसी फुटेज है वो ख़राब है, वहाँ से भी हम लोग को कुछ नहीं मिल पाया। अंतिम लोकेशन गाड़ी का जो है बाराबंकी में मिला था। गाड़ी का जो कागज़ होता है क्लेम जैसे सर्विसिंग के बाद जो रिसीविंग मिलती है वो पेपर मिला था। इनकी गाड़ी का जो गाड़ी लेके गए हैं होंडा अमेज उसकी। बाराबंकी पुलिस संपर्क की? हाँ, वहाँ पे बाराबंकी भी पुलिस गई थी पूरा छानबीन की, लेकिन कुछ भी नहीं।